अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं डोरान का फ़ैन हीटर। दोस्तों ये सिरामिक में ब्लोअर हीटर है, यानी कि सिरामिक इसमें प्लेट होती है, और ब्लोअर हीटर यानी कि फ़ैन वाला हीटर है। ये राड वाला हीटर नहीं है, ये फ़ैन में इसके अंदर पंखा होता है जो वर्क करता है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन जो नीचे दी गई हुई है। दोस्तों ये टू हीटिंग सेटिंग पे चलता है, 750 वाट और 1500 वाट। ये 1500 वाट का हीटर है, इसकी टू सेटिंग है हाई एंड लो। हाई पे 1500 वाट और लो पे 750 वाट चलता है। दोस्तों नॉर्मल वार्म हॉट विंड सिलेक्शन, यानी कि आप इसको नॉर्मल पे भी कर सकते हैं, हॉट पे भी कर सकते हैं, और वेरी हॉट पे भी कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं पावर इंडिकेटर लाइट, यानी कि इसके अंदर पावर वाली लाइट दी गई हुई है। एडजस्टेबल थर्मोस्टेट, इसके अंदर थर्मोस्टेट दिया गया हुआ है, आप इसको अपनी मर्जी के साथ टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी में आपने थर्मोस्टेट देखा है, बिल्कुल उसी तरह ये वर्क करता है। थर्मल ऑटोमेटिक कटआउट, यानी कि दोस्तों इसके नीचे आपको सेफ्टी स्विच दिया गया, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन दी गई हुई है, यानी कि इंटीग्रल कैरियर हैंडल, यानी कि इसको आप इजीली इजी टू हैंडल, यानी कि इसको हैंडल दिया गया हुआ है उठाने के लिए। इसके नीचे आपको सेफ्टी स्विच दिया गया है सेफ्टी के लिए, यानी कि खुदा ना खास्ता हीटर आपको को ठोका लगे, गिर जाए, बच्चे वगैरह गिरा दें तो ये बंद हो जाएगा। दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं इसका जो मॉडल है हमारे पास DN1206 मॉडल है, और ये बॉक्स हीटर कहलाया जाता है। दोस्तों ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाला हीटर है जो लोगों ने पसंद किया है। बिल्कुल छोटा मिनी और काम बहुत बड़ा करता है। दोस्तों 2 साल की गारंटी है इसकी, एलिमेंट की कोई मसला या सूरत होने पे ये आप क्लेम हो सकता है। दोस्तों चलिए हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं इसकी, हमें क्या क्या मिलता है। दोस्तों ये हमें पेपर बुक मिल जाती है इसकी, आप इससे भी पढ़कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसका वारंटी कार्ड दिया गया हुआ है ड्यूरोन का, हमें वारंटी कार्ड दिया है, शॉप का नेम एड्रेस वगैरह इस पर मैंशन करवा दें, स्टैंप कर देंगे। दोस्तों ये मैनुअल बुक दी गई हुई है ड्यूरोन की, ये ड्यूरोन की बाकी अप्लाइंसेस वगैरह भी इन्होंने दी हुई है जो जो ड्यूरोन बनाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हीटर है हमारा, अंदर हीटर मिल जाता है। दोस्तों ये हमारा हीटर आ गया। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा और खूबसूरत हीटर है। दोस्तों ये ऊपर वाइट फिनिशिंग की हुई है, नीचे ये ब्लैक है, ब्लैक प्लास्टिक, अंदर स्टील की ग्रिल लगाई हुई है। दोस्तों बहुत ही प्यारा स्मॉल हीटर है, खूबसूरत हीटर है, देख सकते हैं। दोस्तों ये सेटिंग्स हैं इसकी, इधर पावर पावर वाली सेटिंग है, ये खाली आप फ़ैन चलाना चाहें, खाली इसका हीटर ना चलाना चाहें, इधर फ़ैन भी है इसमें तो इधर करेंगे ये हॉट पे हो जाएगा सिंगल सेटिंग पे 750 वाट वाली, और इधर करेंगे ये वेरी हॉट पे हो जाएगा यानी कि डबल सेटिंग पे 1500 वाट पे हो जाएगा। दोस्तों ये थर्मोस्टेट दिया गया हुआ है, आप इधर अपने हिसाब से इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अभी ग्रिल दी गई हुई है, आप देख सकते हैं नीचे हमें इसके साथ सेफ्टी स्विच मिल जाता है, यानी कि बच्चे वगैरह गिराएं या आपकी ठोकर वगैरह लगे तो ये हीटर जब गिरेगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं तार इसके साथ काफ़ी लंबी दी गई हुई है, 2 मीटर तकरीबन तार दी गई हुई है। दोस्तों चलिए हम आप इसको एक बार चला के टेस्ट करवा देते हैं, ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे, एक्सटेंशन कमज़ोर है, आपको गाइड कर देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये पावर वाला है, इधर से दोस्तों आपने इसको थर्मोस्टेट को ऑन करना है, ऑन करेंगे तो ये पावर पे है।
ये देखें दोस्तों, नीचे सेफ्टी स्विच है, इसको हम रखेंगे, ये ऑन हो गया। आप देख सकते हैं, दोस्तों ये ऑन हो गया इधर इधर। तो दोस्तों ये हमारी हीटिंग की फर्स्ट सेटिंग है, दोस्तों ये हमारी दूसरी सेटिंग है। इधर भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन हीटिंग कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हीटिंग कर रहा है। ये थर्मोस्टेट है, इधर आप इसको ज़्यादा कर लें, अगर आपने काम करना है तो काम हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इसको ज़्यादा बंद करेंगे तो ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इधर से ऑन रहेगा, थर्मोस्टेट से कंट्रोल होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं पावर वाली लाइट भी शो हो रही है। दोस्तों बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा हीटर है। दोस्तों जो सेफ्टी स्विच का मकसद है वो आपको समझा दें, वो किस तरह वर्क करता है। दोस्तों आपका हीटर चल रहा है, अगर बच्चे वगैरह आपकी ठोकर लगे, हीटर साइड पे होगा तो हीटर बंद हो जाएगा। हीटर अपनी जगह पे सही बैठेगा तो हीटर ऑन हो जाएगा। ये सेफ्टी स्विच का ये मकसद होता है। सेफ्टी स्विच ख़राब होने की सूरत में अपने घबराना नहीं है, वो इजीली रिपेयर हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा हीटर है, बहुत ही बेहतरीन हीटिंग कर रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।